वेलकम फ्रेंड्स, आज जो हम स्कीम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये आपने काफ़ी बार न्यूज़ में देखा होगा या न्यूज़पेपर में भी काफ़ी बार पढ़ा होगा, या मोदी जी भी इसके बारे में बहुत बार बोलते हैं कि हमने मुद्रा योजना के अंदर इतने सारे लोन्स दिए, ये किया वो किया। तो उस हिसाब से ये स्कीम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। हमें इसके बारे में सिर्फ दो या तीन चीज़ें याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे दी है, जिसके ऊपर प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है और आपको ट्रैप किया जा सकता है। तो अभी देखते हैं हम ये स्कीम के फीचर्स क्या है। आप इन पॉइंट्स को नोट करते चलना जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है? मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ उसी स्पीड में आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका एम क्या है? द एम ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज़ टू इनेबल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहली चीज़ कौन सी है? जो MFI है, यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, उनका रिवाइवल करना है, उनको इनेबल करना है। एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज़ NBFCs, आल्सो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, RRBs, दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सेट्रा, टू प्रोवाइड लो रेट लोन्स टू एलिजिबल एंटिटीज़। देखिए, तो यहाँ पे कीवर्ड में हमें क्या याद रखना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एग्जैक्टली करता क्या है? लो रेट लोन प्रोवाइड करता है टू एलिजिबल एंटिटीज़, नॉट टू ऑल पीपल। ठीक है, जो एलिजिबल है उनको ही प्रोवाइड करेगा एट लो रेट। इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो रहेगा यहाँ पे जो लोन मिलता है उसमें लो इंटरेस्ट रेट रहेगा। ठीक है, तो द लोन्स आर गिवन इन नॉन फार्मिंग सेक्टर्स। तो ये भी हमें याद रखना है, कौन से सेक्टर्स में दिया जाएगा? नॉन फार्मिंग सेक्टर्स में। तो ऐसा नहीं है कि मुद्रा योजना के अंदर जो लोन आता है उसको आप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एग्रीकल्चर के लिए नहीं रहेगा, ये मेनली रहेगा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द लोन्स आर नॉन फार्मिंग सेक्टर्स, गिवन इन अ नॉन फार्मिंग सेक्टर्स विथ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेड, सर्विसेज एक्सेट्रा। तो ये मैंने पहले ही बोल दिया कि वो कौन से सेक्टर के लिए लोन दिए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज, एंड नॉट फॉर एग्रीकल्चर। तो नॉट फॉर एग्रीकल्चर है, ये हमें ध्यान रखना है। लो रेट में है, ये हमें ध्यान रखना है। और सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से लोगों को लोन मिलता है, तो उसमें MFI आते हैं, NBFC आते हैं, SFB आते हैं, RRB आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव्स आते हैं, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, वो सभी को एलिजिबल है कि वो आगे लोन प्रोवाइड करे एट लो रेट। और उनको जो पैसे मिलेंगे तो वो गवर्नमेंट की ओर से मिलेंगे एट अ लो इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इसी में उनका भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन टाइप्स ऑफ लोन दिए हैं और साथ में उनका जो अमाउंट है वो भी दिया है। तो ये भी हमें नोट करना है और अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला कौन सा है। तो सबसे पहला है शिशु। तो शिशु क्या होता है, एक सेकंड मैं इसका इंक चेंज कर लेता हूँ। तो देखते हैं शिशु में आएगा कोई भी लोन जिसकी अमाउंट है 50,000 से कम। ठीक है, ऐसा लोन आएगा शिशु कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट कौन सा है, किशोर। तो किशोर यानी कि जो मध्यम वय का रहता है तो उसको हम किशोर बोलते हैं। तो उसमें लोन का कवरेज क्या है, 50,000 से ज़्यादा पर 5,00,000 से कम। तो ऐसे जो अमाउंट है वो लोन आएगा इस किशोर कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और थर्ड है तरुण यानी कि यंग। तो तरुण में कौन सा आएगा, 5,00,000 से ज़्यादा पर 10,00,000 से कम। ठीक है, 5,00,000 से ज़्यादा पर 10,00,000 से कम। तो ये हमें नोट करना था और ये हमें याद भी रखना है। तो ये फिगर्स के ऊपर आपको ट्रैप किया जा सकता है, फिगर्स को चेंज करके भी दिया जा सकता है। हमें इंक्रीमेंटल ऑर्डर में इसको याद रखना है, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु के लिए है बिलो 50,000, किशोर के लिए है 50,000 टू 5,00,000, एंड तरुण के लिए है 5,00,000 टू 10,00,000। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये एग्जैक्टली है क्या। मैं फिर से एक बार इसको पढ़ता हूँ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इट एम्स टू इनेबल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स,
टू प्रोवाइड द लोन एट लो रेट टू एलिजिबल एंटिटीज़, ऐसी एंटिटीज़ जो एलिजिबल है उनको लो रेट में लोन प्रोवाइड करना। द लोन वुड बी गिवन इन नॉन फार्मिंग सेक्टर, दैट इज़ नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। द लोन वुड बी गिवन इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोन। फर्स्ट इज शिशु, अंडर विच द लोन अमाउंट वुड बी लेस देन 50,000। सेकेंड टाइप इज किशोर, अंडर विच द लोन अमाउंट वुड बी बिटवीन 50,000 to 5 lakhs। एंड थर्ड टाइप इज तरुण, अंडर विच द लोन अमाउंट वुड बी 5 lakhs to 10 lakhs। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इसके बारे में याद रखनी है। आई होप आपको अभी अच्छे से समझ में आया होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या। थैंक यू।